बाद रहेंगे। अगर आप खाते हैं बाहर बाजारों में, ये नहीं इतने खास होते, ये जो घर का बना है ये बना। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम हो, आमीन। तो इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही खास मज़े की और स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इनवाइटेड हूँ एक अफ्तारी पर। मेरे बहनों ही हैं तारिक खान, आपने उन्हें मेरी कई वीडियोज़ में देखा भी होगा। तो आज उन्होंने मुझे इन्वाइट किया अपने घर अफ्तारी पर, और हमारे साथ होंगे वहाँ अफ्तारी में पाक विलेज व्लॉग वाले मेरे कज़न फिरोज़ और उनकी मिसेज और उनकी छोटी बेटी हानिया और मेरी पूरी फैमिली होगी। तो मेरे जो बहनों हैं उनका घर मेरे घर के बिल्कुल ही करीब है, तो उन्होंने कहा कि जो रोज़ेदार है उनकी आज अफ्तारी मेरी तरफ से होगी। चलो जी, ठीक है, मैंने कहा। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और टाइम है असर की नमाज का, तकरीबन 5 बज रही हैं। तो पहले नमाज पढ़ते हैं नमाज, तो फिरोज़ पहले आएगा मेरे घर, तो उसके साथ गपशप करेंगे और फिर चलेंगे तारिक भाई के घर, और वहाँ का जो भी सीन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने आज अफ्तारी में हमारे लिए क्या क्या बनाया है वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ में सारे बैठकर अफ्तारी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो दोस्त जो हमारे वीडियो पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। अच्छा, एक और बात जो मैंने आप सब दोस्तों से करनी है, कुछ दोस्त कहते हैं कि आप ना दिखावे की वीडियो बनाते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने दोस्त की हेल्प की थी, वो बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब था, तो उसे मैंने मंथली राशन भी दिया था और कुछ पैसे भी दिए थे। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं दिखावा करूँ, मेरा मकसद ये था अगर आप में से कोई दोस्त उनकी हेल्प करना चाहता है तो वो हेल्प करे ताकि उनकी लाइफ ईजी हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। ओके, तो जी ये आ गए फिरोज। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और आप सुनाओ जनाब, कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। ये सुनो, सफर कैसा रहा तुम्हारा? सफर मेरा नॉर्मल था, रोजा भी था, तो गर्मी भी थी बाहर। गर्मी आज कुछ ज्यादा बनी हुई है, कल तो बहुत ही प्यारा मौसम था। नॉर्मल कह सकते हैं कि सफर सही। रोजा लग रहा है? बस थोड़ा सा कह ले, मतलब कुछ बिल्कुल ओके है, कुछ है नहीं। हमें थोड़ा बहुत लग रहा है ना, रोजा अपना हिसाब लेता है, शाम का वक्त है तो ये बिल्कुल। तो फिर आप? हम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। और आपका माह रमजान कैसा जा रहा है? सही, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे रखने हैं मैंने इंशाल्लाह इस बार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस मुझसे भी 2 मिस तो हुए हैं, लेकिन चलो ठीक है। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे सारे रोजे रखने की और हिम्मत दे, अल्लाह पाक मुझे भी दे। सो हम आज आए हुए हैं अफ्तारी करने, वो भी इनके घर से। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अफ्तारी पे इनवाइट किया है। सो अभी टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से कुछ ना, मतलब 45 मिनट बाकी हैं। तो जैसे ही रोज़ अफ्तारी मतलब का टाइम होता है तो हम सुकून से बैठ के सारे घर वाले करेंगे जी, और आप लोगों से भी हम शेयर करेंगे कि आज हमने क्या क्या डिश बनाई, क्या क्या बनाई, और आज कुछ स्पेशल ही बन रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है, काफी सारे डिश हैं। भाई के चैनल को तो सब्सक्राइब भी ठोक दो, मतलब इस तरह से ना। थैंक यू, काफी मेहनत करते हैं। तो चलिए बैठे फिर, अंदर बैठते हैं। और मुझसे ना आप खड़ा नहीं जा रहा? नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आइए। हाँ जी, ये भी ए पत्र भी पाठ। हाँ जी, तो जी ये हमारे घर लगे हुए हैं जामन के पौधे, तो दरख्त है, तो ये उसके पत्ते तोड़ रही है। ए भी पाटे भी, ए भी। हाँ बस कर, बस कर, बस बहना पाट। तो हम आ गए हैं फाइनली अपने तारिक भाई के घर, और फिरोज़ भाई भी साथ बैठे हैं। तो अफ्तारी में जो टाइम बाकी है वो इनसे पूछें कितना टाइम पड़ा, कितना टाइम पड़ा अफ्तारी में? बस 25-20 मिनट है। हाँ 20-25 मिनट बाकी हैं। चलो ठीक है, आ जाओ, अभी बैठ जाओ जी, बैठते हैं। तो बैठते हैं और इनके साथ गपशप करते हैं। भैया क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। यार मेरे लिए दुआ करो, मेरा चैनल जो है ना। जी बिल्कुल, मेरे भाई का चैनल है सिटी मुंडा के नाम से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो दस्तरखान अफ्तारी का वो लग गया है, फिरोज भाई और भाभी भी बैठ गई हैं, तारिक भाई और जो दूसरे तरफ बैठा है वो मेरा छोटा भाई है। तो जो अफ्तारी में हमारा सामान है वो मैं आपको बैक कैम से दिखाता हूँ सारा। तो जी माशाल्लाह से ये है हमारा जी दस्तरखान। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें है रोटियाँ और इसमें जी पकोड़े जो कि घर ही बनाए हैं, और जी ये रायता
कस्टर्ड सैलड और इसमें जी वाओ लेग पीस और इसमें है जी चिकन माशाल्लाह बिरयानी और ये खजूर फ्रूट्स पड़े हैं और जी ये दही बल्ले जो घर तैयार की है माशाल्लाह। ये हमारा आज का दस्तरखान और अफ्तारी जो कि हमने बैठ के करनी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। तस्वीर बना दो से। हमने अफ्तारी कर लिया और मगरिब की नमाज पढ़ के भी आ गया हूँ और बाकी सब इधर बैठे हैं मीठा खाने की वेट में। ये सेंटर में कस्टर्ड पड़ा है तो सारे वेट में बैठे हैं, मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं आ जाऊँ फिर ये कस्टर्ड खाएंगे। तो मैं तो जी हम कस्टर्ड खा रहे हैं और माशाल्लाह कस्टर्ड बहुत ही मजे का और टेस्टी बना हुआ है, लाजवाब और ठंडा ठंडा है। ये बताइएगा आप कुकिंग आपने कहाँ से सीखी है? मैंने कुकिंग जो है वो असल में मेरी वालदा, जब वालदा साहब का डेथ हुई थी उसके बाद कुछ वालदा ने वालदा से पहले मैंने सीखी हुई थी, फिर वालदा के बाद जो मैंने उनके बाद मैंने मैं खुद बनाता था। मतलब हालात ने आपको कुकर बना दिया? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतनी अच्छी कुकिंग कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे कुकर में मेरा नाम आता है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जी माशाल्लाह से कस्टर्ड भी खा लिया, बहुत ही मजे की बनी हुई थी और अब फिरोज ने तैयारी कर लिया घर जाने की। मैं तो कहता हूं रह जाओ यार, रात हो गई है, जाना है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन है ना, तो जो सारे वीडियोस एडिट करनी है चार्जर उसका यहां पे है नहीं, मसला ये है। जी जी इसका जो मसला ना वो मोबाइल की बैटरी, किसके मोबाइल की बैटरी लो है और आईफोन का चार्जर नहीं है हमारे पास। हां तो हम घर जाएंगे, बस ये 10 किलोमीटर ही है। जी जी तो ख्याल से जाना ऐसा ऐसा। इंशाल्लाह ठीक है, और आप बाद में मिलते हैं। जी इंशाल्लाह जरूर, थैंक यू। फिरोज चला गया अपने घर और अब मैं भी जा रहा हूँ अपने घर। ये भी मेरा घर है, हमारा जो घर है ना वो पास पास है, तो मैं घर जा रहा हूँ। अम्मी मेरी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं, उनको आज बहुत ज़्यादा फीवर था दिन को, तो मैं उनकी मेडिसिन लेने गया था, सारा दिन मेरा हॉस्पिटल में रहा है। तो दुआ करें कि मेरी अम्मी जी जल्दी से ठीक हो जाएं। और आज बहुत मज़ा आया, सारों ने इकट्ठे बैठ के इफ्तारी की है और खाने में बहुत कुछ था माशाल्लाह, हर चीज़ मज़े की और टेस्टी बनी हुई थी। तो फिर आज के व्लॉग का यहीं करते हैं एंड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।